गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। मैं अमलेश कुमार आज नए वीडियो के साथ आया हूं और आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर स्क्रैच। ये स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए है जो डीएवी स्कूल में है या फिर वैसे बच्चे जिनके सिलेबस में कंप्यूटर में स्क्रैच है। क्या है एक्चुअली स्क्रैच है क्या, इसे पढ़ना क्यों है, व्हाट वी हैव टू लर्न, व्हाट द थिंग्स वी विल लर्न, सो आई विल डिस्कस लेटर। फर्स्ट सी दिस पिक्चर, व्हेन यू ओपन योर बुक द फर्स्ट पिक्चर इज गिवन, दिस पिक्चर इज गिवन एंड इट्स आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट डज द अबव इमेज शो। ऊपर का जो इमेज है वह क्या शो कर रहा है। आप सभी इस पिक्चर को देखे हैं, एक बहुत ही पॉपुलर कार्टून शो है जिसका नाम मिक्की माउस क्लब हाउस है। तो इसका आंसर आप अपने बुक में लिख लेंगे, मिक्की माउस क्लब हाउस। क्या है ये, यदि आपसे पूछा जाए ये मिक्की माउस क्लब हाउस क्या है, तो आप देखते हैं यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और पिक्चर्स या मूवमेंट होता है जो कैरेक्टर्स होते हैं, एंड उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमेशन। सो व्हाट इज दिस एनिमेशन है क्या, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। आप देखते हैं डू यू नो में आपकी बुक में लिखा हुआ है और आप कॉपी में भी लिख लें, एनिमेशन इज अ वे ऑफ मेकिंग अ मूवी बाय यूजिंग अ सीरीज ऑफ ड्राइंग्स और फोटोग्राफ्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड What when viewed quickly, one after another creates the appearance of movement. Means आप अपने drawings, photographs, see आप movie बनाते हैं किसी भी object को लेकर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो और बनाते हैं और वह quickly वह move करता हो उसे क्या बोलते हैं, animation। Just take an example, आप लोग छोटा भीम देखे होंगे, छोटा भीम में जो क्या वो राजू चुटकी कालिया ये सब रियल में एक्जिस्ट करते हैं, नो एक क्रिएशन है, ऑब्जेक्ट है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो ड्राइंग है पिक्चर्स है उसको लेकर मूवी बनाया गया, ऑडियो डाला गया, पिक्चर्स में मूवमेंट है, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। सो अब तक तो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट द थिंग्स वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर मीन्स अबाउट एनिमेशन क्रिएशन वी हैव टू लर्न। नाउ वन क्वेश्चन इज हियर, वी कैन एनिमेट आवर on favorite characters by using some computer software. Can you recall names of any such animation software? Yes, Scratch. So, question kya hai? Animation software. This is animation software. If anybody will ask to you, just tell me the name of any animation software. So, answer will be Scratch. Now, see next one. What things we have to learn? The software of Scratch. What is this? A scratch software was designed for a fun. क्योंकि जहाँ एनिमेशन है, जहाँ पर क्रिएशन है, तो वहाँ फनी होगा। It is an educational software and easy to use and learn. It offers tools for creating a interactive stories, games, animation, and much more using block-based programming. This software is developed by MIT Media Lab and can be downloaded from scratch.mit.edu. If you want to download this one in your computer, just visit this website and download it. And this software provides what? Tools. Why? So that we can create interactive stories or games, animation. Kaise? Using block-based programming. Remember, block-based programming is completely different. And for this programming, no need to learn programming a skill or any languages you don't have to learn. आप बच्चे में आप छोटे जो होंगे तो एक लेगो बिल्डिंग ब्लॉक्स गेम होता था जिसमें आप क्या करते थे, डिफरेंट छोटा छोटा बॉक्स हुआ करते थे, उसको बैठा कर आप कार पर आप गाड़ी बनाते थे, कार पर घर बनाते थे आप और डिफरेंट बनाते थे। तो इट इज़ द सेम एंड इसका नाम क्या दिया गया, ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो यदि आपसे पूछा जाए जस्ट टेल मी द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड अ फैसिलिटी और प्रोवाइड अ टूल्स फॉर ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग, सो योर आंसर विल बी व्हाट, अ स्क्रैच।
चलिए हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ये और बना कहाँ पर है, दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय एमआईटी मीडिया रिमेंबर एंड मस्ट मेंशन योर कॉपी आल्सो, सो डू यू नो, देखते हैं, वी डू नॉट नीड टू नो एनी पार्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी होने की जरूरत नहीं है, फॉर विच ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग as we only have to place the blocks in the right order similar to lego buildings block, बस place करना है सही ढंग से, आपको जो blocks होते हैं उसको place करना है और आप आसानी से जो है वह programming और animation और stories आप बना सकते हैं। एक hands-on is एक hands-on दिया हुआ है, visit the scratch website to see the uploaded project, you will be amazed to see so many members are there in projects on the website, आप इसको देखिए, आप इसको लैब में भी आप ओपन कर सकते हैं, मैं अभी ओपन करके दिखा रहा हूँ, क्या ओपन करना है, www.scratch, yes, this one, अब इसे ओपन करें, इट्स ओपनिंग, और आप देख रहे हैं डिफरेंट क्रिएशन यहाँ पर है, स्टोरीज हैं डिफरेंट आपको जो आप भी मेंबर बन सकते हैं इसका, और जो भी आप बनाएंगे इसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू सर्च फुटबॉल रिलेटेड, फुटबॉल तो देखेंगे फुटबॉल से रिलेटेड जो स्टोरीज होंगे गेम्स होंगे जो अपलोड किए होंगे, देखिए डिफरेंट है, आप इसको ओपन करना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करके आप आसानी से इसको देख सकते हैं, इट्स अ प्रोजेक्ट, स्टोरीज देखना चाहते हैं तो स्टोरीज भी देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, देखिए यही ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स को प्लेस कर, देखिए ग्रीन फ्लैग है, जब इसको क्लिक करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बना हुआ है प्रोजेक्ट है, आप इंडिकेट हो रहा है, प्ले करें आप, वन प्लेयर टू प्लेयर गेम्स करना चाहते हो, ट्रेनिंग करना चाहते हो, वन प्लेयर गेम ओपन कीजिए आप और इसका आप देख सकते हैं ट्रेनिंग टू प्लेयर्स का है, तो इस तरह का आप गेम को यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं और इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को भी आप अपलोड कर सकते हैं, तो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट और आप अपना जो क्रिएटिविटी है आप दिखा सकते हैं, तो चलिए मैं इसको बंद करता हूँ और वापस से मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ, तो दिस इज़ अ हैंड्स ऑन, आप इसको करें और देखें आप, लेट अस बिगेन आवर जर्नी ऑफ लर्निंग एंड क्रिएटिंग प्रोजेक्ट इन स्क्रैच बाई लर्निंग अबाउट इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, इट्स अब क्या है कंपोनेंट्स है इसका, आप कंपोनेंट्स देख सकते हैं यहाँ पर, कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो, अब जब तक ये कंपोनेंट्स आपको नहीं दिमाग में आएगा तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा, तो चलिए इस कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं, कंपोनेंट्स आप डिफरेंट कंपोनेंट्स मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं, आप ये बुक में दिया हुआ है, टाइटल बार यू पीपल आर नोइंग टाइटल बार क्या होता है, फाइल टूल बार यू पीपल आर नोइंग दिस इज द फाइल टूल बार, ब्लॉक्स पैड, देखिए दिस एरिया इज कॉल्ड ब्लॉक पैड, ये छोटा सा एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें ब्लॉक पैड में क्या है ब्लॉक्स है वहाँ 1 2 3 4 8 ब्लॉक्स होते हैं जो कि आगे हम लोग देखेंगे, जिस एरिया में है जिस पैड में है उसे हम लोग ब्लॉक पैड बोलते हैं, देन यहाँ देखिए करंट स्प्राइट यानी जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग स्प्राइट बोलते हैं, तो इस स्प्राइट का पूरा डिटेल्स आपको जिस विंडो में दिख रहा है जिस एरिया में दिख रहा है उसको बोलते हैं करंट स्प्राइट, इन्फो पैन करंट स्प्राइट इन्फो पैन सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, स्क्रिप्ट एरिया दिस एरिया इज कॉल्ड स्क्रिप्ट एरिया, जहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट करेंगे ब्लॉक्स को बैठाएंगे यहाँ पर, ब्लॉक्स प्लेट्स आ हियर व्हाट दिस ब्लॉक प्लेट्स वी विल लर्न लेटर, तो दीज आर द कंपोनेंट्स, और यदि इस कंपोनेंट्स को हम दिखाएं आपको स्क्रैच को ओपन करके, तो मैंने स्क्रैच ओपन किया है और मैंने 1.4 ही डाउनलोड किया है और ये जो वर्जन है वो आप देख सकते हैं 2009 में ही इसका आया था, अभी तो आगे आ गया है 1.5 यूज हो रहा है, तो यदि आप बुक्स के अनुसार करना चाहते हैं तो आप जो है उसको करेंगे, अब फिर से मैं उस कंपोनेंट्स को दिखाना चाहता हूँ, दिस इज अ टाइटल बार आप देख सकते हैं, दिस इज टाइटल बार, दिस इज व्हाट इज दिस, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, दिस इज ब्लॉक पेन दिस इज अ स्क्रिप्ट एरिया, और ये करेंट स्प्राइट का जो है वो इंफॉर्मेशन बताएगा आपको,
स्क्रिप्ट एरिया दिस इज एंड दीज आर ब्लॉक प्लेट्स, दीज आर ब्लॉक प्लेट्स, दिस इज अ स्टेज, दिस इज अ स्टेज, दिस इज अ स्प्राइट एंड दिस इज स्प्राइट लिस्ट। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्प्राइट लिस्ट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज अ स्प्राइट टूल बार, दिस इज अ स्प्राइट टूल बार। तो दिस इज अ कॉम्पोनेंट, दिस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ, दिस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ स्क्रैच। आपको फिर से वापस दिखाते हैं बुक में, सारी चीज़ दिख रहे हैं आप। अब एक हैंड्स ऑन है, जो हैंड्स ऑन को आप करेंगे, एक्सप्लोर ऑल द इन बिल्ड प्रोजेक्ट ऑफ स्क्रैच टू ओपन अ सैंपल प्रोजेक्ट। कैसे ओपन करेंगे, क्लिक द फाइल मेन्यू, ओपन ऑप्शंस, क्लिक द एग्जांपल्स टैब फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, चूज द डिजायर्ड कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट। यानी इसको आपको करना है और उसको मैं अभी करके दिखाऊंगा। होता है क्या है कि आप लोग तो मतलब जब बता दिया जाता है तो आप लोग को प्रॉब्लम फेस होती है। तो कैसे ओपन करेंगे, जो ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ या सैंपल प्रोजेक्ट डाला हुआ उसको कैसे ओपन करेंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे, ओपन में जाएंगे और जैसे ही ओपन में क्लिक करेंगे तो स्क्रैच प्रोजेक्ट्स यहाँ दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रैच प्रोजेक्ट्स दिया हुआ है। आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्रैच प्रोजेक्ट पहले से जो बना हुआ रहेगा आप उसको कर सकते हैं। आपको यहाँ देखिए आप जो बनाएंगे वो है, लेकिन हमें क्या करना है, एग्जाम्पल्स में जाकर एग्जाम्पल्स में क्लिक करेंगे और कैसा चाहेंगे आप गेम्स में देखना चाहते हैं डबल क्लिक करें। आप यहाँ पर उसको ओपन करके आप देख सकते हैं, ये हैंड्स ऑन है, डिफरेंट डिफरेंट आपको प्रोजेक्ट को ओपन करना है। आप जब ग्रीन फ्लैग देखेंगे तो देखिए कितना अच्छा लगेगा, यहाँ देख रहे हैं, एंड दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप। जस्ट आफ्टर लर्निंग स्क्रैच दीज थिंग्स यू कैन क्रिएट, आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, एनिमेटेड पिक्चर है, देख रहे हैं जब माउस मूव कर रहे हैं तो इस तरह से आप एनिमेटेड इमेज, एनिमेटेड आप बना सकते हैं। एंड क्या है, दिस इज स्क्रिप्ट एरिया, देखिए यहाँ ब्लॉक्स बताए थे ना, ब्लॉक्स प्रोग्रामिंग है, ब्लॉक को यहाँ शिफ्ट किया गया। दिस इज द स्क्रिप्ट एरिया जो कि कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज में बात किए थे। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट को, आप सैंपल को देखना, और ये जो सैंपल अभी खोले हैं वह हैंड्स ऑन में आपका यही है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज अभी मैंने गेम्स को ओपन किया। चलिए अब हम लोग जो बात करते हैं वेरियस फीचर्स ऑफ स्क्रैच कंपोनेंट्स वन बाय वन। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स जो बात कर रहे थे वह था ब्लॉक पैन। ब्लॉक पैन कहाँ था आपको यदि याद हो, ब्लॉक पैन कहाँ था तो मैं दिखा दूँ। ब्लॉक पैन मैंने स्क्रैच को बंद कर दिया, मैं फिर से ओपन कर देता हूँ। मैंने ब्लॉक पैन को बता दे रहा हूँ, ब्लॉक दिस इज, दिस एरिया इज ब्लॉक पैन। एंड कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स होते हैं। एंड नेम, फर्स्ट ब्लॉक मोशन है, सेकेंड लुक्स है, साउंड है, पेन है, कंट्रोल ब्लॉक, सेंसिंग ब्लॉक, ऑपरेटर्स ब्लॉक, वेरिएबल ब्लॉक्स। तो सारे कंपोनेंट्स को अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट्स था वह ब्लॉक प्लेट्स। एंड कौन सा ब्लॉक प्लेट्स है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, दिस इज ब्लॉक प्लेट्स। चलिए इस क्या होता है इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए क्या है, यू मस्ट हैव अ प्लेड अ जिगजॉग पजल्स वेन इरेगुलर कट पीसेस ऑफ वेरियस शेप्स हैव टू बी फिल्टर्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पिक्चर्स ऑफ अ डिजाइन। इस तरह देखे होंगे, और यदि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो बच्चे में जो है ना, हम लोग क्या करते थे, खरगोश का पिक्चर्स ब्लॉक्स होता था और उसको हम लोग क्या करते थे, बीट्स लगा होता था उसको अलग करके, और खरगोश का इमेज बनाना होता था। तो हम लोग बीट को ऊपर नीचे करके उसको करते थे, तो दैट इज ब्लॉक पैन। इस तरह का देखिए वहाँ ब्लॉक्स बने, 1 2 3 4 सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, यहाँ उसी के बारे में बता रहा है। सिमिलरली इन स्क्रैच देर आर डिफरेंट कंट्रोल ब्लॉक्स दैट कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर like a jigsaw puzzles to create animes and games and stories. And what these blocks are, जैसे मैंने अभी बताया था, blocks को फिर से मैं open कर रहा हूँ, देखिए this is what block pen. And कितने blocks है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उस blocks को मैंने दिखाया और इस
क्या है इस ब्लॉग्स के बारे में, तो देखिए पहला जो ब्लॉग्स है, एंड यू मस्ट मेंशन इन, यू मस्ट राइट इन द कॉपी ऑल्सो, फर्स्ट वन इज मोशन ब्लॉग, सेकेंड वन इज कंट्रोल ब्लॉग, थर्ड वन इज लुक्स ब्लॉग, फोर्थ वन इज सेंसिंग ब्लॉग, देन साउंड ब्लॉग्स, ऑपरेटर ब्लॉग्स, पेइंग एंड वेरिएबल्स। अब देखिए एट ब्लॉग्स आर गिवेन, मोशन, लुक, साउंड, पेइंग, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, क्या है। अब इसी एट ब्लॉक्स को आपको आपस में प्लेस करके आपको प्रोग्रामिंग करना है। ऑल दीज ब्लॉक्स फर्दर कंटेन डिफरेंट पजल पीसेस लाइक शेप्स इन द ब्लॉक्स प्लेट। एंड ब्लॉक्स प्लेट कौन सा एरिया था, ब्लॉक प्लेट्स कौन सा एरिया था, यदि आपको याद हो जो मैंने दिखाया, दीज आर व्हाट ब्लॉक प्लेट्स, दीज आर व्हाट ब्लॉक प्लेट्स, दिस एरिया इज कॉल्ड ब्लॉक प्लेट्स। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस पे। एंड वन हैंड्स ऑन इज गिवन, क्लिक ऑन ईच ब्लॉक इन द ब्लॉक पैन एंड रिव्यू द डिफरेंट शेप ब्लॉक्स इन द ब्लॉक्स। तो चलिए इस ब्लॉक प्लेट को हम लोग रिव्यू करते हैं। जैसे मोशन में क्या क्या ब्लॉक प्लेट्स हैं, देखिए ब्लॉक्स में मूव 10 स्टेप्स, टर्न 15 डिग्री, दीज आर व्हाट ब्लॉक्स, मोशन ब्लॉक्स के सारे प्लेट्स हैं, मोशन ब्लॉक्स के सारे ही प्लेट्स हैं। लुक्स का प्लेट्स क्या है, देखिए लुक्स का प्लेट्स है यहाँ पर, देख रहे हैं। सेम वे साउंड का प्लेट्स क्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड का प्लेट्स है यहाँ पर। पेन का क्या है, तो पेन का है। कंट्रोल का क्या है, तो कंट्रोल का है। सेंसिंग का क्या है, सेंसिंग है। ऑपरेटर्स है, वेरिएबल्स हैं, तो दीज आर द। एंड जैसे अभी मैंने बताया कि हर एक जो हमारा ब्लॉक है उसका सब पार्ट होता है, मोशन का क्या है, ये सारी चीज़ें। तो जो हैंड्स ऑन आपका दिया हुआ है, तो हैंड्स ऑन में लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लिक ऑन ईच ब्लॉक इन द ब्लॉक्स पैन एंड रिव्यू द डिफरेंट शेप ब्लॉक्स इन द ब्लॉक्स प्लेट। नेक्स्ट आर मूविंग स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया आप सभी को पता होना चाहिए, कौन सा एरिया को हम लोग स्क्रिप्ट एरिया बोलते हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट एरिया, दिस इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया क्या होता है, इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एनिमेटेड मूवी वी हैव टू फर्स्ट डिसाइड एंड राइट द स्क्रिप्ट। कहाँ लिखेंगे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट एरिया में। इन स्क्रैच वी राइट द स्क्रिप्ट इन द स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रैच में हम लोग जो स्क्रिप्ट लिखेंगे, दैट एरिया इज कॉल्ड स्क्रिप्ट एरिया। इट इज एन एरिया वेयर ब्लॉक्स फ्रॉम द ब्लॉक्स प्लेट्स आर प्लेस्ड टू राइट अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लिखने का जो है हम लोग करते हैं ब्लॉक्स का। तो स्क्रिप्ट एरिया तो समझ में आ गया, सारे ब्लॉक्स के व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ अ स्क्रैच विंडो। स्टेज, स्टेज क्या होता है, सभी का डेफिनेशन दिया हुआ। तो स्टेज क्या होता है, वेयर इज द स्टेज, दिस एरिया इज कॉल्ड स्टेज, जहां पर एक्चुअली परफॉर्म करना है, दिस एरिया इज कॉल्ड स्टेज। तो आप देख सकते हैं स्टेज यूजली बिफोर स्टार्टिंग द शूटिंग ऑफ एनी एनिमेटेड मूवी सेट्स आर डिजाइन एंड प्रिपेयर्ड। कुछ भी काम करने से पहले स्टेज को बनाया जाता है। और जो स्टेज हमारा बटा हुआ होता है, व्हेन द माउस इज मूव्ड एनीवेयर ऑन द व्हाइट एरिया ऑफ द स्क्रीन द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स चेंज। आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि हम उसको मूव करेंगे तो हमारा, देखिए यहाँ पर इस जगह देखिए यहाँ एक कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो यदि इस पोजीशन का देखिए तो कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, ये बटा हुआ है। यदि हम कोऑर्डिनेट का बात करें तो ये बटा हुआ होता है, यहाँ पर जितने वैल्यू होंगे वो एक्स और वाई का पॉजिटिव होंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू नेगेटिव। तो अभी आगे दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, आप देखिए स्टेज जो है बटा हुआ है। यदि इस एरिया में बात करें तो एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होता है, इस एरिया में बात करें तो हमारा एक्स पॉजिटिव होता है, वाई जो है हमारा नेगेटिव होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कि आपको थ्योरी क्लास में मैं और उसको अच्छे ढंग से बता दूंगा। नेक्स्ट जो है वह हमारा क्या है, वी कैन चेंज द व्यू ऑफ अ स्टेज बाय क्लिकिंग दीज थ्री बटन, दीज थ्री बटन, व्यू मोड, प्रेजेंटेशन मोड, यस। तो एक बटन को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा दिस, उसको मैं स्केप बटन दबा के वापस आऊँगा, दिस अभी राइट नाउ बाय डिफॉल्ट ये वाला है, देन दिस। तो आपको जिस पर काम करना कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस वन इज व्हाट, स्विच टू प्रेजेंटेशन मोड, दिस वन इज स्विच टू फुल स्टेज एंड दिस वन इज स्विच टू स्मॉल स्टेज। तो जो भी जिस मोड पर आपको काम करना है आप काम कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट कंपोनेंट स्प्राइट्स। स्प्राइट्स का मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्प्राइट यानी दिस इज स्प्राइट, ये स्प्राइट है। आप स्प्राइट को चेंज कर सकते हैं, अपना भी डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ना
बना सकते हैं। यहाँ पर स्प्राइट को आप चूज कर सकते हैं, जैसे भी मैंने चाहा कि कुछ एनिमल्स का ही ओपन कर लें और इसको यहाँ से कर लें, तो डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएगा। दिस इज ऑल्सो स्प्राइट, आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग टू स्प्राइट्स इज क्लियर। वंस द स्क्रिप्ट इज रिटेन एंड द सेट्स आर फाइनलाइज, द नेक्स्ट स्टेप इज टू चूज द कैरेक्टर्स फॉर आवर मूवी इन स्क्रैच। द कैरेक्टर्स दैट परफॉर्म एनिमेशंस आर कॉल्ड स्प्राइट्स, जो कैरेक्टर्स एनिमेशन को परफॉर्म करता है। यदि हम छोटा भीम का बात करें तो कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है, छोटा भीम, तो स्प्राइट्स हो गए। वर्किंग विद स्प्राइट्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्प्राइट्स का ये है यहाँ पर, तो मैंने अभी दिखाया कि क्या क्या कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट वन है, हम इसको बना सकते हैं, ये ऑलरेडी बना हुआ है, उसको चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर गेट सरप्राइज, ये सरप्राइज आएगा जब भी क्लिक करेंगे तो हर बार कुछ नया आएगा। दीज आर व्हाट स्प्राइट्स, फिर से बात कर ले, यहाँ आप बना सकते हैं, ये बना हुआ है, आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर सरप्राइज है, जब भी क्लिक करेंगे तो हर बार कुछ नया आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दीज आर व्हाट स्प्राइट्स, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, देख रहे हैं पेंट अ न्यू स्प्राइट्स। इस थोड़ा सा देखिए, आप स्प्राइट्स को पेंट बनाना चाहें तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, पेंट ब्रश जैसा आपको खुल जाएगा। यहाँ पर आप कुछ बनाना चाहें, यहाँ स्प्राइट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको जैसा चाहें आप उसको कर सकते हैं, यहाँ पर कलर वगैरह लेकर आप थोड़ा उसको चेंज कर सकते हैं, सर्कल बनाकर आप स्प्राइट, आप यदि पेंट में काम किए होंगे तो स्प्राइट आप उसको ओके करके उस स्प्राइट्स को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्प्राइट्स हमारा यहाँ पर यूज होकर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हैंड्स ऑन दिया हुआ है, पेंट अ न्यू स्प्राइट्स पेंट एडिटर यूजिंग, आपको इस तरह से बनाना है आप बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने अभी इसको बनाया, जल्दी में बनाया मैंने इस तरह से, तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो है इसको क्या करें, आप बनाएं इसको डिफरेंट डिफरेंट आप पेंट करें, तो आप बनाएंगे इसको, लैब में भी जाएंगे तो बनाएंगे। एडिटिंग अ स्प्राइट्स, एडिटिंग अ स्प्राइट्स जो है वो हम लोग स्प्राइट्स को एडिट कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो अभी देखिए इस स्प्राइट्स को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं, यहाँ से बाहर, यहाँ पर आप जैसे इस स्प्राइट्स को आपको यहाँ से इसको कुछ एडिट करना है आपको, तो देखिए यहाँ पर आपको श्रिंक स्प्राइट है, स्प्राइट है तो श्रिंक मतलब छोटा करना, आप देखेंगे तो छोटा होगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो छोटा होगा, वैकेंसी छोटा हो रहा है, इसको क्या है आपको बड़ा करना है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। आपको क्या है यहाँ पर इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ करके इसको डिलीट कर सकते हैं। और ये जो है डुप्लीकेट, तो आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, किसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो इसका, तो ये डुप्लीकेट बन गया, आप उसको खींच कर बैठा सकते हैं। तो स्प्राइट को हम एडिट कर सकते हैं, द फर्स्ट वन इज श्रिंक स्प्राइट, श्रिंक क्या करता है छोटा कर देता है। देखिए इसको छोटा करना, एक को बड़ा छोटे मियाँ बनाना है और एक को थोड़ा बड़े मियाँ बनाना है, और बड़े करना है तो हम उसको छोटे मियाँ बड़े मियाँ कर दिए। किसी स्प्राइट को डिलीट करना है तो उसको डिलीट करना है, क्लिक कर दे डिलीट करना है। इसका डुप्लीकेट तैयार करना है तो आप क्लिक करें और जिसको भी करना उसको क्लिक कर देते, डुप्लीकेट इसका तैयार हो गया। तो कैसे एडिट करना स्प्राइट को आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्रिएट अ कॉस्ट्यूम ऑफ स्प्राइट, कॉस्ट्यूम को कैसे बनाएंगे हम लोग, कॉस्ट्यूम बनाना है। कॉस्ट्यूम दिख रहे हैं, एज यू हैव अ डिफरेंट ड्रेसेस इन योर वार्डरोब, जो आपके डिफरेंट ड्रेस होता है, स्प्राइट कैन ऑल्सो हैव अ डिफरेंट ड्रेसेस इन स्क्रैच, इट इज कॉल्ड अ कॉस्ट्यूम, अलग तरह का बना सकते हैं, कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम इज एन अल्टरनेट अपीयरेंस ऑफ अ स्प्राइट्स, टू क्रिएट अ कॉस्ट्यूम क्लिक ऑन द कॉस्ट्यूम टैब, देयर आर थ्री वेज टू क्रिएट एंड एडिट अ न्यू कॉस्ट्यूम, पेंट कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं और कैमरा से कर सकते हैं। तो थोड़ा इस पर काम करते हैं हम लोग, बोल रहा है डाउनलोड एनी एनिमेटेड इमेज फ्रॉम द इंटरनेट, इंपोर्ट इमेज टू द कॉस्ट्यूम टैब एंड ऑब्जर्व इन डिफरेंट कॉस्ट्यूम, क्रिएट अ कॉस्ट्यूम एज पर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, क्या करना है, इंपोर्ट अ न्यू स्प्राइट टाइटल बटरफ्लाई फ्रॉम द एनिमल्स फोल्डर। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, कैसे करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम पहले तो सारे जो स्प्राइट्स हैं उसको हम डिलीट कर दें, क्योंकि हमें डिलीट कर दे, बहुत सारा जो है हमें रखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कह रहा है कि सबको डिलीट कर रहा है,
एक मैंने रह लिया। अब क्या करना है इस स्प्राइट को, हमें क्या करना है, पहले देखिए कॉस्ट्यूम लाना है, तो कॉस्ट्यूम में आप जाएंगे और देखिए जो करंट स्प्राइट है यहाँ से खुल जाता है, आप इसी पर आप करना चाहें तो आप इस पर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं, कैमरा से भी ले सकते हैं। पेंट करना है तो आपको देखिए यहाँ पर आप ले लें, यहाँ पर जो भी बनाना चाहते हैं आप, तो सिंपल सा जो लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, एक छोटा सा स्प्राइट बना और यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपोर्ट भी करना चाहें तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से मैंने इंपोर्ट भी कर लिया और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने इस तरह से बना लिया और यहाँ पर मैंने ओके कर लिया। ये कॉस्ट्यूम हमारा वन हो गया, इसको ड्रेस पहना सकते हैं जैसा कि बताया गया था, और भी आप एडिट कर सकते हैं जैसा चाहें आप उसको एडिट, आप अपनी क्रिएटिविटी से आप उसको अच्छे ढंग से एडिट कर सकते हैं, जिस तरह से आप करना चाहें आप उसको आसानी से जो है इस पार्ट को हटा कर आपने इसके आगे लगा दिए, तो कॉस्ट्यूम आप कर सकते हैं इस तरह से कॉस्ट्यूम बना सकते हैं। जो आया एक नया आ गया, ये जो स्प्राइट आ गया आपका बिल्कुल नया बना हुआ है कॉस्ट्यूम के साथ, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आप देखेंगे, यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इम्पोर्ट न्यू स्प्राइट्स बटरफ्लाई एनिमल्स फ्रॉम इतना, आप एक लिया था मैंने एनिमल्स, एट्स इट्स विंग्स विद द हेल्प ऑफ इरेजर टूल, अब इरेजर टूल से बना, तो इस तरह से कॉस्ट्यूम आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लिक ओके बटन व्हेन डन, व्हाट नेम कैन गिव इन दिस न्यू स्प्राइट, आप इसका नाम दे सकते हैं। आप देखिए यहाँ काट कर इसको अलग कर दिया, इरेजर टूल से काट कर रख दिया गया, तो आप नाम भी दे सकते हैं, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आप रीनेम कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं करंट स्प्राइट्स लेना, ये सारा चीज़ बता चुके हैं, एक्सिस वाई एक्सिस का पोजीशन बता चुके हैं, डायरेक्शन बता चुके हैं, तो आप उसको उस तरह से मूव कर सकते हैं। कॉस्ट्यूम रोटेट द स्प्राइट चेंज डायरेक्शन कॉस्ट्यूम फेसेस, इस सारा चीज़ आप करेंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो कॉस्ट्यूम नेवर, देखिए कॉस्ट्यूम में ही सारा कुछ यहाँ पर ऑप्शंस हैं, यदि मैं इसको वापस आऊँ तो आप देखेंगे कॉस्ट्यूम में ही आप इसको जब हम एडिट करेंगे तो कॉस्ट्यूम में ही देखिए यहाँ पर आप इसको इस तरह से एंगल से आप मूव कर सकते हैं, आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इसको मूव कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, तो इस सारा एंगल्स को आप प्रैक्टिकली करेंगे समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं स्प्राइट लिस्ट, हम बता चुके हैं स्प्राइट लिस्ट जितने भी स्प्राइट्स करेंगे आप उसको कर सकते हैं। एक हैंड्स ऑन इज गिवन फ्रॉम द प्रीवियस एक्टिविटी एरेज द विंग्स ऑफ द, वो बस वही है करना है। नेक्स्ट जो है वो बैकग्राउंड सेट करना, बैकग्राउंड यस, यदि कोई भी एनिमेटेड आप कोई भी क्रिएशन बनाते हैं तो उसमें बैकग्राउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं तो मैं बता दूँ आपको। देखिए बैकग्राउंड में आपको यदि चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना है आपको, स्क्रिप्ट में जाएंगे और स्क्रिप्ट में जाने के बाद आप देखेंगे क्या कहीं आपको बैकग्राउंड दिख रहा है क्या, आप बैकग्राउंड को कैसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखें। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर स्टेज एरिया दिया हुआ है उसको क्लिक कर दें, तो यहाँ देखेंगे स्टेज आ गया और स्टेज में आपका यहाँ बैकग्राउंड में चले जाइए, एंड व्हाट बैकग्राउंड यू वांट टू सेट, आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट में आप नेचर का लेना चाहते हैं नेचर में जाइए और यहाँ ओके कर दीजिए, देखिए बैकग्राउंड आपका चेंज हो गया। फिर से आप कॉस्ट्यूम चेंज करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके आप स्क्रिप्ट में जाएंगे आप और आराम से आप चेंज करके सारा कुछ कर सकते हैं। तो एक तरीका है आपको बैकग्राउंड चेंज करने का, तो आई होप कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करें आप सभी को क्लियर हो गया। एक एक्टिविटी दिया हुआ है, आप उस एक्टिविटी को भी आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बैकग्राउंड कैन ऑल्सो बी इम्पोर्टेड फ्रॉम इमेजेस डाउनलोड फ्रॉम द वे, आप उसको करेंगे। क्रिएट अ स्क्रीन ऑफ अ फुटबॉल फील्ड पर इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ इसको आप करेंगे तो आसानी से आपको और अच्छे ढंग से आएगा। हाउ यू कैन सेव अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कैसे सेव करेंगे, तो सेव करना इट्स अ नॉट डिफिकल्ट टास्क। क्लिक फाइल मेन्यू, क्लिक सेव एज ऑप्शन, आप सेव एज में जाएंगे तो आप सेव कर देंगे, जिस नाम पर सेव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
देन ओपनिंग अ प्रोजेक्ट, ओपन करना तो मैंने दिखाया है ओपन कैसे करना है, फाइल मेनू जाकर ओपन करेंगे। शेयरिंग अ प्रोजेक्ट, शेयरिंग कैसे करेंगे आप, तो शेयरिंग भी कर सकते हैं आप। देखिए शेयरिंग करने के लिए आप यहाँ पर देखिए शेयर का ऑप्शन आता है, यहाँ पर जाकर आप प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। कहाँ शेयर करना चाहते हैं, वेबसाइट में करना चाहते हैं, वेबसाइट में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट को आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ अपलोड करना, ये सारे चीज़ ऑप्शन है यहाँ पर, तो आप आराम से शेयर कर सकते हैं। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क अपलोडिंग करना। और यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, असेसमेंट एक्टिविटी, तो आप बनाएंगे। एंड आई थिंक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन इजिली डिज़ाइन दिस पार्ट, पेंट करना, कॉस्ट्यूम बनाना, दिस थिंग यू कैन डू। सो आई होप द बेसिक पार्ट ऑफ स्क्रैच इज क्लियर टू एवरीवन। एंड द नेक्स्ट मीन्स स्क्रैच टू आई विल अपलोड सून, मीन्स दो चार दिन के अंदर ही इसको अपलोड कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके बुक में, लास्ट में जो है क्वेश्चंस हैं, राइट द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग टूल्स, तो आप करेंगे। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, डिलीट का मतलब क्या होता है, ड्रो ग्रो श्रिंक का मतलब क्या होता है, तो यू मस्ट डू दिस थिंग इन द बुक ऑल्सो। एंड आई थिंक इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, सो आई होप ऑल द थिंग्स आर ओके। एंड यदि अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट दे विल लर्न ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।